subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. भारतीय आर्मी दुनिया की सबसे खतरनाक और ताकतवर आर्मी में से एक है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना भारत के पास है। भारतीय आर्मी के पराक्रम से दुनिया वाकिफ है, फिर चाहे इसके अपने बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर हो या फिर देश के बाहर किसी ऑपरेशन को लेकर या फिर यूएन की पीस कीपिंग आर्मी की बात करें। हर जगह भारतीय सेना ने अपना लोहा दुनिया में मनवाया है। भारतीय आर्मी का यही पराक्रम इसे दुनिया के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता है। यही कारण है कि देश के युवा ही नहीं बल्कि विदेशी मुल्कों के युवा भी भारतीय सेना में शामिल होने का ख्वाब देखते हैं। डिस्कवरी चैनल के मैन वर्सेस वाइल्ड फेम बेयर ग्रिल्स को कौन नहीं जानता, इस बार चर्चा में है क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका एक एपिसोड आ रहा है जिसमें बेयर ग्रिल्स पीएम मोदी संग उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के घने जंगलों के बीच जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि बेयर ग्रिल्स भारतीय सेना के बहुत बड़े फैन हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी पहली चाहत यही थी कि वे इंडियन आर्मी में भर्ती हों। बेयर ने एक साक्षात्कार के दौरान बताया कि वह भारत में रहने के दौरान कोलकाता भी गए और कुछ समय भारतीय सेना के साथ भी बिताया। ग्रिल्स ने बताया कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रिल्स भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने से पहले मैंने कुछ समय भारत में बिताया था, मैं पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग में भी गया था, हम कोलकाता भी गए थे और कुछ समय भारतीय सेना के साथ भी बिताया था। मुझे भारत से बहुत लगाव है, मैं यहाँ लंबे समय के लिए जाना चाहता हूँ। बेयर ग्रिल्स मार्शल आर्ट में पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं, लेकिन फिर भी ग्रिल्स भारतीय सेना के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। बता दें कि वे खुद भी ब्रिटिश की स्पेशल फोर्सेज सास में सेवाएं देते हैं। खबर अपडेट की रिपोर्ट।